हम पिछले कुछ हफ्तों से महायाजक के बारे में देख रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ढेर सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि लगभग सालों बीत जाएंगे अगर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेंगे तो सालों बीत जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सोच रहा था कि हम इन चीज़ों को महीने में एक बार टच करेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्टडी के तौर पर। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सुनोगे आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैंने आपको बताया था और मैं उसे रिवाइज करना चाहूँगा, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि महायाजक ये मनुष्य की तरफ से होते हैं परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करने के लिए। हमारा जो महायाजक है वो और भी बेहतरीन तौर पर परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करते हैं। अगर किसी देश का महायाजक बेकार रहे या वो ठीक ठाक नहीं रहे, अगर परमेश्वर के वचनों का, आज्ञाओं का पालन नहीं करे, तो वो देश पर आशीष नहीं उतरती थी, वो देश पर श्राप उतरता था महायाजक के वजह से। अगर महायाजक अच्छा है तो देश जो है ना आशीषों से भरा रहेगा। अगर महायाजक ठीक नहीं है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, यीशु के समय इज़राइल देश पूरी तौर पर खराब हो चुका था क्योंकि वहाँ के महायाजक ठीक नहीं थे, इसलिए वो परमेश्वर की बातों को नहीं जान पा रहे थे। हालांकि वो वचनों को पढ़ते थे, वचनों को समझते थे और कई सारे वचन उनको बाय हार्ट थे, लेकिन वे परमेश्वर को नहीं जान पा रहे थे क्योंकि उनका अंदरूनी जिंदगी सही नहीं था। इसलिए पूरा जो इज़राइल देश था वो श्राप से भर चुका था। और जब हम यीशु की बात करें, वो सर्वोत्तम महायाजक है, वो बेस्ट महायाजक है। इस पृथ्वी के जो महायाजक होते थे वो बदले जाते थे, अगर कोई मर जाए तो रिप्लेसमेंट होता था, दूसरा महायाजक आता था। लेकिन हमारा जो महायाजक परफेक्ट और परिपूर्ण महायाजक है वो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के सामने हमारी सारी बातों को बताते हैं और वो हमारी तरफ से परमेश्वर के सारे आशीषों को मांगते हैं और वो हमारे जीवन पर बरसाते हैं। हमारा जो महायाजक है वो सर्वोत्तम है और वो मुर्दों में से जी उठा है और वो अनंत काल से अनंत काल तक जिंदा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, है ना, वो बदलेगा नहीं। और बहुत सारे चीज़ों को हम देखेंगे आज, और आखिर में हम देखें कैसे महायाजक के वस्त्र के द्वारा परमेश्वर के वरदान काम करते थे और कैसे उन वरदानों को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। आज हम बात करने पर अन्य भाषा के बारे में, हम बात करने पर नौ वरदानों के बारे में, हम बात करने पर कैसे हम उन नौ वरदानों में इस्तेमाल हो सकते हैं। इतना ज़्यादा आप इनके बारे में सीखोगे, आप कहोगे कि परमेश्वर मुझे सीखना है, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे बताए, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग लगातार तौर पर नहीं आते, आप लोग लगातार तौर पर आए, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारी चीज़ों करेगा। परमेश्वर सबसे पहले हमारे अंदरूनी विचारों को बदलना चाहता है, हमारी कल्पनाओं को बदलना चाहता है और फिर धीरे धीरे कर हमारी जो बाहर की परिस्थिति है यह अपने आप बदल जाएगी। हालेलुया। साथ ही साथ जो लोग मसीह को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वे लोग परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लगातार तौर पर इस्तेमाल करें। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत शब्द है और वो शब्द ऐसा है कि हे मेरे विश्वास योग्य दास। जब हमारा मुलाकात परमेश्वर से होगा तो परमेश्वर एक सुंदर नाम देगा और वह है हे मेरे विश्वास योग्य दास। ये बहुत सुंदर नाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दास इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के संतान नहीं है, नहीं 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 नहीं, हमारा जो हृदय है वो एक सेवक का हृदय होना चाहिए। जितने भी हम विश्वास है, चाहे आप सेवा करें या ना करें, मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री की, अब मिनिस्ट्री करे या ना करे, लेकिन अपना जो हृदय है हमेशा एक
सेवक के हृदय के जैसे तैयार करे। अपना जो हृदय है वो सेवक के हृदय जैसे बनाए रखे। आपके हृदय में कभी किसी के प्रति छिड़छिड़ ना हो, आपके हृदय में कभी किसी को नीचे गिराने के बारे में ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को उभारने के बारे में, यही कल्पनाएं आपको अपने हृदय में रखना है। और जब आप ऐसे हृदय को रखते हो, परमेश्वर आपको काफी सारी अच्छी बातों से और आशीष करेंगे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं उन लोगों को जो लोग अपना दशमांश नहीं देते। मैं आपसे कहूं, बाइबल में लिखा गया है, मत्ती की किताब में अध्याय 6 में जब आप पढ़ोगे, लिखा गया है कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। और वहां पर दो स्वामी शैतान और परमेश्वर नहीं है, वहां पर दो स्वामी है पैसा और परमेश्वर। और आपको यह चीज जानने की जरूरत है कि हमारा 500, 1,000, 5,000, 10,000 या फिर 1,00,000 या फिर उससे एक्स्ट्रा जितना आप जोड़ सकते हो, वो जो पैसा हम कमाते हैं उसका दशमांश जब हम निकालते हैं, उससे हमारे दशमांश से इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके दशमांश से आप कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हो? हम उस दशमांश से परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन जब वो बातें परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित करते हैं तो वो बातें हमारे जिंदगियों में परिवर्तन ला सकती है। और इसीलिए हमें, जब भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी हम मिलते हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने अर्पणों को चढ़ाया करें। और यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। जब हम अपने अर्पणों को नहीं चढ़ाते हैं तो हम यह कहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि हम हमारे चीजों के मालिक हैं और हमें किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको 100 रुपए देता है, ऐसे ही आपको देता है आपके लिए, तो आपको तुरंत अपने मन में यह नहीं सोचना कि 100 रुपए से मैं क्या खरीद सकता हूं। आपको सबसे पहले आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर आपने उस व्यक्ति के मन में डाला 100 रुपए देने के लिए। भले वो छोटा अमाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे चीजों में आप विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर आपको बड़े चीजों में विश्वास योग्य बनाएंगे। तो उन चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो और उस 100 रुपए में से 10 रुपए सबसे पहले निकालो। जितने भी जवान हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, तुरंत आपके हाथ में पैसा आने के बाद, अगर आपके मम्मी डैडी ने आपको 100 रुपए दिया कोई स्पेशल ओकेशन पे, आपका जन्मदिन है या क्रिसमस का सीजन है और आपके मां ने आपके हाथों में 100 रुपए दिए, तो तुरंत ये मत सोचो कि 100 रुपए से, अरे यार मुझे तो वो अंगूठी खरीदना था और वो 100 रुपए, नहीं नहीं नहीं, आप तुरंत खरीदने के बारे में सोचो, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दो, उसके बाद उसका दशमांश निकालो। छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहो कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे ब्लेस किया। आपको मालूम है जब आप दशमांश नहीं निकालते हो, जो पैसा आपके पास आता है वो पैसा श्रापित रहता है, पैसा आशीषित कभी नहीं है, क्योंकि पैसा जमीन से आया हुआ चीज है। पैसा बनता है पेपर से और पेपर जो है वो आता है पेड़ से और पेड़ जो है जमीन पर, और जमीन जो अभी तक आशीषित नहीं है, जमीन अभी भी श्रापित है और वो इंतजार कर रही है मुक्त होने के लिए। सो जब पैसा हमारे पास आता है वो पैसा ब्लेसेड नहीं रहता है, वो पैसा श्रापित रहता है हमारे हाथ में आने के बाद भी। लेकिन जब उससे हम परमेश्वर के लिए दशमांश और अर्पण को निकालते हैं, वो पैसा ऑटोमेटिकली रिवर्स करता है परमेश्वर के आशीष में। और जब हम उन चीजों को निवेश करते हैं परमेश्वर के राज्य में, हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमारा पैसा ज्यादा अस्पताल में नहीं जाता है, और भी बहुत सारी चीजें वो अच्छी जगहों पर लगता है। सो आप ये नहीं सोचने आ रहे हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, ब्रेक थ्रूज नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे चीजों से शायद आप अनजान हो, आप जान नहीं पा रहे हो, बहुत सारे लोगों का पैसा गलत जगहों पर जा, लेकिन आपका पैसा अच्छी जगहों पर जा रहा है। तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा जब आप इन चीजों को अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे। एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं, फिर हम वचन में जाएंगे। जो लोग यह सोचते हैं कि कर्जे में होना ये श्राप की बात है, शायद कभी कभार उसी के वजह से आप कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कर्जे में होना श्राप की बात बिल्कुल भी नहीं है। गरीबी श्राप है, गरीबी आशीषित नहीं है, इन चीजों को ध्यान में रखें, लेकिन कर्जा श्राप नहीं है। अगर कर्जा श्राप होता तो बाइबल में लिखा है कि तुम लोगे नहीं, तुम दोगे। अब वहां पर दोगे जो शब्द है वो किसी को फ्री में देने के बारे में नहीं है, वो कर्जा देने के बारे में।
आप समझ पा रहे हैं? लिखा है कि आप लोग यानी कर्जा नहीं लोगे, आप कर्जा दोगे। आप समझ पा रहे हैं? आप लोगों को कर्जा दोगे। और अगर कर्जा श्राप है तो इसका मतलब है कि आप श्राप का काम कर रहे हैं देने के द्वारा। सो कर्जा श्राप नहीं है, कर्जे से बाहर निकलने के लिए बुद्धि की जरूरत है जो परमेश्वर प्रोवाइड करता है। सो आपको इन चीजों को धारण करना है कि मैं किसी प्रकार के श्राप में नहीं हूं। हाँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा सिस्टम को चेंज करने के लिए, बदलाव लेकर आने के लिए, वो बात अलग है। लेकिन कर्जा यह श्राप नहीं है। कर्जे से बाहर निकलने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि यहां से ले और वहां से दे। परमेश्वर चाहता है कि कुछ अलौकिक चीजें हमारे जिंदगी में हो, और परमेश्वर चीजों को करेगा। हमारा परमेश्वर चीजों को करेगा। आने वाले हफ्ते में हम इन सारे चीजों के बारे में देखेंगे कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं अद्भुत तौर पर। हालेलुया। आइए क्यों ना हम प्रभु के वचन को निकालें। निर्गमन की किताब अध्याय 28, बहुत ही सुंदर और अद्भुत आज का समय रहने वाला है। और वचन 9 से 12 तक पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब अध्याय 28 वचन 9 से 12। फिर दो सुलेमानी मणि लेकर उन पर इसराइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना, उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर, इसराइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन दो मणियों पर इसराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना, और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इसराइलियों का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। आप महान हैं, आप अद्भुत हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी भलाइयों को मांगते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की होने दे पवित्र आत्मा, आप जैसे चाहे वैसे बातें यहाँ पर करें, और आप जैसे चाहे वैसे ही बातें हम सुने प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए प्रभु। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, लोग आसान तौर पर समझ पाए परमेश्वर। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। सो गए संडे हमने देखा कि किस प्रकार महायाजक हम हर एक लोगों को अपने सीने पर लेकर चलते हैं। महायाजक के सीने पर अनमोल अनमोल जो मणि है वो दर्शाते हैं हम हर एक लोगों को, हम हर एक लोगों को। लेकिन जब आप देखोगे कि महायाजक के कंधों पर भी मणि होती थी, दोनों कंधों पर, लिखा गया कि सुलेमानी पत्थर जो है सोने में गढ़कर उन पर 6-6 नाम, इज़राइल के गोत्रों का 6-6 नाम, 6 नाम एक मणि पर खुदवाना और 6 नाम दूसरे मणि पर खुदवाना, और वो होगा उनके कंधों पर। और जो 12 नाम है वो अलग अलग मणियों पर खुदवाना, और वो जो मणि है वो होगा सीने पर। हम सीने पर गड़े गए हैं। अब ये कंधों पर की जो मणियां है, जब आप इसको अच्छे तौर पर पढ़ोगे, लिखा गया है ये इसीलिए तुम्हें उनके कंधों पर लगाना है ताकि ये यहोवा के लिए स्मरण का काम ठहरे। जब जब महायाजक उस परम पवित्र स्थान में जाए तब तब परमेश्वर ऊपर से देख पाए और स्मरण कर पाए इसराइलियों के गोत्रों को। ये लिटरली इसराइल के जो गोत्र हैं उनको स्मरण दिलाने के लिए उनको कंधे पर उनका नाम लिखा गया था, या उन मणियों पर नाम लिखा गया था और वो कंधों पर उनको लगाया गया था इसराइलियों को स्मरण करने के लिए। आपको मालूम है पुराने समय में जब आप परमेश्वर के बारे में
पढ़ना शुरू करोगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठे हैं और वो इसराइलियों को ऊपर से नीचे देखते हैं, वो आमने सामने नहीं देखते हैं, वो ऊपर से नीचे देखते हैं। और जब वो ऊपर से नीचे देखते हैं तो सबसे पहला चीज दिखाई देता है सर के बाद, वो है कंधा, और कंधों पर वो इज़राइल के गोत्रों का नाम लिखा गया। और परमेश्वर उन चीजों को देखकर उन लोगों को ब्लेस करते, उन लोगों को आशीषित करते। जब हमारे बारे में बात करें तो परमेश्वर हमें ऊपर से नीचे नहीं देखते, परमेश्वर हमें आमने सामने देखते, क्योंकि हम सीने पर है। हालेलुया, हम सीने पर है। यीशु इस प्रकार के वस्त्र को तो नहीं पहना है, ये प्रतीक के तौर पर बताया गया है कि परमेश्वर कितना महत्व हमें देते हैं। लेकिन जब आप यीशु को देखने की कोशिश करोगे तो लिटरली हम उसके हृदय में हैं, बसे हुए हैं, हम उसके हृदय में बसे हुए हैं। वो हमें इतना प्यार करता है कि वो हमें अपने केवल मन में नहीं रखना चाहता है, वो केवल अपने हाथों में नहीं रखना चाहता है, लेकिन वो ऐसी जगह पर रखना चाहता है जहां से कोई भी व्यक्ति आसानी से छीन नहीं सकता है। वो इस तौर पर हमें सुरक्षा देना चाहता है। हम इस प्रकार महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हम हर एक व्यक्तियों को अपने हृदय पर ले लिया है। कंधों पर उन्होंने इज़राइल को रखा है, लेकिन हृदय में उन्होंने हमें रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यह चीज पौलुस ने जाना, फिर पौलुस ने कहना चालू कर दिया कि जो भी कोई यीशु को ग्रहण करता है वो ना ही तो यहूदी है, ना ही तो वो इब्रू है, हम सब मसीह में नई सृष्टि है। उसने इस भेद को जाना और उसे डिक्लेयर करना चालू किया कि जो लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है वो सच में धन्य लोग हैं। हालेलुया। सो हम हर एक लोगों को परमेश्वर ने अपने हृदय पर रखा है। इसराइलियों को उन्होंने कंधे पर रखा है, लेकिन हम हर एक लोगों को उसने हृदय पर रखा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपसे कहा कि महायाजक के शरीर पर जितने भी चीजें हैं उनमें से एक धागा भी बेकार का नहीं, जितने भी चीजें, वो सब चीजें बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और किस प्रकार वो हमें अपने हमेशा करीब रखना चाहते हैं। वो उन सारे चीजों को दर्शाते हैं और हम आने वाले दिनों में एक एक चीज के बारे में देखेंगे। हमने गए बार हमने देखा उस मणियों के बारे में जो उस महायाजक के सीने पर है, और हमें यह पता चला कि उसके कंधे पर इसराइलियों को उसने महत्व दिया है और परमेश्वर इसराइलियों को ब्लेस करता है, आशीषित करता है। और आज बहुत महत्वपूर्ण चीजों को हम देखेंगे, क्योंकि आज दुनिया उन चीजों के पीछे दीवाने हो गए हैं, खास करके मसीह के लोग, कि हमें परमेश्वर के वरदानों में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के वरदानों में कार्य करना है। और परमेश्वर बहुत अद्भुत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को, और शायद आप में के जितने भी लोग यहां पर बैठे, कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में भी ये गवाही हुई होगी कि हमने इसके लिए प्रार्थना किया, यह चीज हो गया, हमने इसके लिए मध्यस्थी किया, यह चीज हो गया, इस बीमार व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना किया, यह कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपको भी इन वरदानों में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आपने वहां पर ध्यान ठीक तौर पर नहीं दिया, इसलिए वो वरदान वहीं पर है, बस कार्य करना बंद कर दिए हैं। वरदान परमेश्वर कभी नहीं निकालता जब वो किसी को देता है, लेकिन हम ध्यान जब नहीं देते वो वहीं पर रहते हैं लेकिन कार्य नहीं करते। उदाहरण के तौर पर आपने कुछ अनमोल चीज अपने घर पर लेकर आए और उसको ऐसी जगह पर आपने रखा कि उस जगह को कोई नहीं ढूंढ सकता है, और कुछ समय के बाद आप भी भूल गए उस जगह को। आपने उस फाइल को बहुत ही अच्छे तौर पर कोड करके या पासवर्ड डाल के आपने रख दिया और आप खुद वो पासवर्ड भूल गए। तो काफी बार ऐसी चीज होती, वो चीज वही जगह पर रहता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं देने की वजह से, हम फोकस नहीं रहने की वजह से वो चीजों में हम ऑपरेट नहीं होते। सो आज बहुत सारे लोग, मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत आसान तौर पर इन सारे वरदानों में इस्तेमाल हो सकेंगे,
और आने वाले हफ्ते में आने वाले कुछ ही दिनों में महीनों में हम गवाही पर गवाही सुनेगी। परमेश्वर ने इस प्रकार मेरा इस्तेमाल करना चालू किया, इस प्रकार मेरा इस्तेमाल करना चालू किया। हालेलुया। आइए एक और वचन को पढ़ते हैं उसी अध्याय में 33 और 34 नंबर के वचन को। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उसके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। ठीक है। अब मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कुछ इसी प्रकार का वस्त्र पहना था। सेम टू सेम महायाजक जैसे नहीं कि वो अपने कंधों पर मणि या अपने सीने पर मणि, उस प्रकार नहीं, लेकिन उसके नीचे जो वस्त्र था उस प्रकार का वस्त्र उन्होंने पहना था। सबसे पहले सफेद और फिर उसके ऊपर नीला कलर का झब्बा, उस प्रकार का वस्त्र यीशु पहनते थे। इसलिए लिखा गया कि जब वो रक्तस्रावी महिला पीछे से आई तो उसने उसके वस्त्र के धागे को छुआ था, उसने उसके वस्त्र के धागे को छुआ था। और जब आप पढ़ोगे कि वो लोग जो सिपाही थे उन्होंने यीशु के वस्त्र के लिए चिट्ठियां डाली। हम कूड़े कचरे के लिए चिट्ठियां कभी नहीं डाल सकते। हम चिट्ठियां डालेंगे जो चीजें महंगी है और हम नहीं चाहते कि वो उस व्यक्ति के पास जाए, वो हमारे पास आए और फिर हम कहेंगे ठीक है प्रभु की मर्जी अब किसके पास जाए, लेकिन हम चिट्ठियां डालेंगे। तो वो बहुत कॉस्टली था, वो बहुत महंगा था। एक सेवक कहते हैं, क्रेफलो डॉलर कहते हैं कि मैं जो सूट पहना हूं वो लगभग 2 से 3 लाख रुपए का है, लेकिन यीशु ने जो वस्त्र पहना था वो इससे कई गुना ज्यादा महंगा था। अगर यीशु के वस्त्र के सामने अगर मैं भी खड़े रहूं तो मैं बहुत सस्ता हूं। वो इस प्रकार बताते हैं कि वो कितना कॉस्टली था और उसी के वजह से वो सारे लोग जो है उन वस्त्रों के लिए उन्होंने चिट्ठियां डाली थी। वो इतने कॉस्टली थे, वो इतने महंगे थे। और बाइबल कहता है कि उस वस्त्र के छोर में महायाजक को कुछ चीजों को लगाना है और लिखा गया है कि एक घंटी और एक अनार। अब वो लिटरल अनार नहीं था जो अनार हम खाते हैं, लेकिन लिखा गया कि वो बनाया हुआ अनार होना चाहिए था। और वहां पर कलर भी मेंशन किए गए हैं, ये कलर और ये सब चीजों के बारे में हम आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि लिखा गया कि अनार और एक घंटी, फिर अनार, फिर घंटी, फिर घंटी, फिर अनार। इसी प्रकार एक 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 अनार और घंटी, अनार और घंटी उसके वस्त्र के छोर में लगाया जाए। और जब महायाजक उस परम पवित्र स्थान में जाते तो बहुत ही सुंदर आवाज आता, और जब वो बाहर निकलते मालूम पड़ता रहे यार ये जिंदा है, इसको खींचने की जरूरत नहीं है, ये जिंदा व्यक्ति है। अगर आवाज नहीं आए इसका मतलब है इसका काम तमाम हो गया है, इसको अब खींचा जाए। अनार और घंटी दर्शाता है खुशखबर को, समाचार को। क्या होता कि केवल अनार लगाया जाता? अगर केवल अनार लगाया जाता तो कोई आवाज नहीं होता, किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती, कोई आवाज नहीं होता। क्या होता कि अगर केवल घंटी लगाई जाती? वहां पर इतना ध्वनि होता कि उसमें कोई मेलोडी नहीं होता, वो आवाज बहुत बेकार होता। इसलिए एक अनार और एक घंटी वहां पर लगाई गई ताकि बहुत सुंदर आवाज वहां से निकले। जब आप पियानो या कीबोर्ड पर ध्यान दोगे वहां पर बहुत सारे कीज रहते हैं। क्या होता कि वो सारे कीज को जोड़ दिया जाए और एक ही की बना दिया जाए, वो बहुत बेकार आवाज करेगा। या तो फिर जितने भी कीज है उसको अगर एक ही साथ बजाए बेकार आवाज करेगा। लेकिन उनके जो सॉन्ग से गीत है, गीत के अनुसार जब हम कीज बजाते हैं या सुनते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि और प्रार्थना करें, और एक गीत गाए, क्योंकि वो इतना सुंदर हमें लगता है। सेम उसी प्रकार से एक अनार और एक घंटी लगाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि महायाजक के वस्त्र में यह चीजें होनी चाहिए।
और बाइबल में आपको जो है याजक कहा गया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपके जिंदगी में भी इसी प्रकार का अनार और इसी प्रकार की घंटी होनी चाहिए, और वो भी बहुत सारी, एक नहीं अनेक। और यह सारी बातें जब हम पढ़ाई करते हैं हमें पता चलता है कि यह घंटी, इसका मतलब है परमेश्वर के 9 वरदान या पवित्र आत्मा के 9 वरदान, और साथ ही साथ उनके हर एक के बीच में जो अनार है वो है पवित्र आत्मा के 9 फल। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई एक चीज को मानते हैं इसमें से। आप जब पढ़ाई करोगे कबूतर के बारे में, कबूतर जो जो चीजें, जो जो जानवर, जो जो खाना बाइबल मेंशन करता है, जब आप उनके बारे में पढ़ाई करोगे वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी बेकार की चीजें परमेश्वर नहीं चुनता है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण। जब आप कबूतर के बारे में पढ़ाई करोगे, कबूतर के 9 पर यहां होते हैं, 9 पर यहां होते हैं, जिसको प्राइम पर कहते हैं, यानी वो मुख्य पर कहते हैं। उन मुख्य पर से अगर एक पर भी अगर निकाल दिया जाए तो कबूतर ठीक तौर पर उड़ नहीं पाता है। जो लोग कबूतर का पेशा करते हैं, यानी जिसका जिनका बिजनेस है, जब आप उनके पास जाओगे और उनको जब आप पूछोगे कि किस प्रकार कबूतर पालना है, तो सबसे पहले वो आपको बताएंगे कि उनके कुछ परों काटने, सब परों को नहीं, कुछ परों को, और वो कुछ दिन तक फिर आपके पास रहेंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, और कुछ दिन आपके पास रहने के बाद वो आपसे भागेंगे नहीं, वो आपके पास ही रहेंगे। तो जो 9 पर है एक तरफ का और दूसरे तरफ से 9 पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब कुछ मसीह लोग हैं जो केवल वरदान 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 के बारे में महत्व देते हैं और फलों को महत्व नहीं देते। वो ऐसे कबूतर है जो एक पर लेकर उड़ रहे हैं, एक ही तरफ उड़ रहे हैं, उनका दूसरा पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे कुछ लोग हैं, मैं कुछ तो चीजें मैंने सोशल मीडिया पर डाला और किसी एक बड़े पास्टर ने वहां पर कमेंट किया कि केवल वरदानों के बारे में बात मत करो, वरदान महत्वपूर्ण नहीं है, फल महत्वपूर्ण है। अब वो ऐसे लोग हैं जो जिनका भी एक ही पर है, वो एक ही पर से उड़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, हम ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर कोई चीज बहुत ही स्पेसिफिक तौर पर बात करता है 9 फल और 9 वरदानों के बारे में, इसका मतलब कि इनके बीच में कुछ तो मेल है, और इस मेल को हमें जानना है कि कैसे हम इन चीजों में इस्तेमाल हो सकते हैं। आप जितना ज्यादा इनके बारे में अध्ययन करोगे, जितना ज्यादा इनके बारे में पढ़ोगे, आपको मालूम पड़ेगा एक वरदान और एक फल, और जब हम उस फल में काम करेंगे तो वो वरदान आसानी से हमारे जिंदगी से बहेगा, हम आसानी से उन वरदानों में इस्तेमाल हो सकते हैं, उन वरदानों में काम कर सकते हैं। हम जितना उस फल में बढ़ते रहेंगे उतना ज्यादा उस वो वरदान हमारे जरिए बहना चालू हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 12। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और वचन 4 से 20 तक। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी
किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। अब एक हाथ वहां पर रखकर हम अपने बाइबल को मोड़ेंगे, गलतियों की किताब अध्याय 5 और वचन 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ठीक है, जब आप इन दोनों अध्यायों को पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहला करिन्थियों 12वें अध्याय में जो है 9 वरदान है और गलतियों 5वें अध्याय में 22-23 नंबर के वचन में ये 9 फल है, 9 वरदान है और 9 फल है। सबसे पहला वरदान है वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि का शब्द। आने वाले दिनों में हम इन चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे कि ये 9 वरदान काम कैसे करते हैं, इनका उपयोग क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये किस प्रकार ऑपरेट होते हैं, ये सारे चीजें हम अध्ययन करेंगे। काफी बार मैं इन दोनों वरदानों में ज्यादातर बहता हूं, एक है बुद्धि का शब्द और दूसरा है ज्ञान का शब्द। बहुत सारे लोग ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द नहीं समझ पाते हैं। लोगों को लगता है कि हर एक चीज प्रोफेटिक है या भविष्यवाणी, हर एक चीज भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी बहुत अलग है बुद्धि और ज्ञान के शब्द से। आपको याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको याद करवा कर देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग थे, मुझे लगता है 17-18 का या 19 का न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था और हम सभी लोग जब शाम के वक्त गैदर हुए थे 1 जनवरी को और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये साल बहुत कठिन साल रहेगा, ये साल बहुत ही परेशानी से भरा रहेगा, दिक्कतियों से भरा रहेगा। ये साल से हम हर एक लोगों को बहुत सारे विपत्तियों से निकलना है, बहुत सारे गलत चीज़ें जो है होने पर है। और जब हम वहाँ से अपने अपने घर पहुंचे, हम में से कुछ लोग हम लोग चर्च में पहुंचे, तो हमें खबर मिलता है कि महाराष्ट्र बंद होने का डिक्लेयर किया गया है। सेम उसी रात को हमने बस सभा खत्म की, हम घर पर पहुंचे और फिर खबर आई कि महाराष्ट्र बंद करना। मैं जब वहां पर आया तो हम कुछ लोग वहां पर बात करने लगे कि हमने अभी कुछ चीजों का और चीजें देखो हमें देखने मिल रही है। ये वो भविष्यवाणी नहीं थी, वो था ज्ञान का शब्द कि जहां पर परमेश्वर हमें सतर्क करना चाहते हैं, जहां पर परमेश्वर हमें सावधान करना चाहते हैं और यह चीजों को हमें समझने की जरूरत है। ये परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार इस्तेमाल करना चाहे उस प्रकार हमारा इस्तेमाल वो करते हैं। और फिर लोगों ने कहा नहीं, अभी हमें समझ में आया कि आपके शब्द का कितना महत्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये सारी चीजें हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं क्योंकि ये हर एक विश्वासी को दिया गया है कलीसियाओं में उन्नति लाने के लिए, लोगों में उन्नति लाने के लिए। परमेश्वर आप में उन्नति लेकर आता है ताकि आप कलीसियाओं में उन्नति लेकर आए, ताकि आप अनुभव कर पाए। परमेश्वर ने ये वरदान कलीसिया के हर एक लोगों को दिया है, लेकिन हम अनजान रहने के वजह से हम इसमें इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। आपको इन चीजों से अनजान नहीं रहना। जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पढ़ोगे तो पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक जो वरदान है उनसे अनजान रहो। लेकिन हम काफी लोग इन वरदानों से इसलिए अनजान है क्योंकि हम अपने जिंदगी में व्यस्त हैं। जब आप परमेश्वर की बातों में रुचि दिखाओगे, परमेश्वर आपके सामने खजानों के भंडार को खोल कर रख देगा, खजानों के भंडार को।
और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर अपने वचनों को आपके सामने खोल कर रखता है और आप वचनों को पढ़ते पढ़ते आप आनंद मनाते हो, आपके तो प्रेज गॉड ये वचन मैं काफी समय से पढ़ रहा था लेकिन अब मुझे समझ में आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं वचन आपके हालातों को बदलने पर, आपकी परिस्थिति को बदलने पर। मैं जानता हूं कि जब लोग इन चीजों को सुनेंगे लोगों के मन में बहुत सारा चीज आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं मुझे बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारे चीज़ों की, और मैं आपके सामने लिस्ट नहीं रख सकता। आप डर जाओगे, आपको डर लगने लगेगा, आपको आपको बेचैनी होगी। लेकिन मैं परमेश्वर के सामने अपने लिस्ट को रख सकता हूँ और वो जानता है कि वो कैसे प्रोवाइड करे। वो किसी के भी मन में डालता है, वो किसी के भी ध्यान में डालता है। मैं आपसे कहूं मैं इतना प्रभु पे भरोसा करता हूं कि मुझे मालूम है कि वो मेरे वजह से किसी को तो सोने नहीं देगा रात भर। और ऐसे हुआ है काफ़ी बार मेरे साथ, ऐसे हुआ है कि कुछ लोग मुझे बारंबार फ़ोन करते एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति बहुत दूर से ट्रैवल कर आया और वो मुझे ढूंढ रहा था और कैसे तो कर उसे मेरा नंबर मिला और वो काफ़ी समय से फ़ोन कर रहा था। और मैं ज़्यादातर अगर मेरे मोबाइल पे किसी का नंबर सेव नहीं है तो मैं ज़्यादातर अवॉइड कर देता हूँ, लेकिन बारंबार लगभग 10-12 फोन उनका था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है, चलो फ़ोन उठा कर देखते हैं। तो जब मैंने उनका फ़ोन उठाया उन्होंने कहा पास्टर मैं कभी से आपका फ़ोन ट्राई करता हूँ, और मैं उस व्यक्ति को बहुत नज़दीक से जानता हूँ लेकिन कुछ कारण से मेरे पास उनका नंबर नहीं था। उन्होंने कहा मुझे आपको मिलना है, मैंने कहा आप मिल सकते हो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक 10 से 15 मिनट में मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा था, सो आप मुझे मिल सकते हो। तो उन्होंने लगभग 2-3 घंटा वहाँ पर इंतज़ार किया और फिर मैं जब उनसे मिला मैंने कहा क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे परमेश्वर ने सोने नहीं दिया, यह चीज़ें आपको देनी थी और मुझे जितना पैसे की ज़रूरत थी उन्होंने उतना पैसा ला कर दिया। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारा चर्च ख़त्म हो गया और हम रास्ते पर बस जा रहे थे, एक बहन चर्च ख़त्म होने के बाद वो अपने घर पर गई और वो कुछ क्या कहते हैं एनवलप में उसने कुछ पैसा डाला और वो दौड़ दौड़ कर हमारे पीछे आई। सो मैं उन्होंने कहा पास्टर ये कुछ ऑफरिंग आपके लिए देना था, मैंने कहा आप अगले हफ्ते दे सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बेचैन थी और मैं बहुत घाई गड़बड़ी में बिना लिए ही मैं भूल कर चर्च में आ गया और फिर चर्च ख़त्म कर मैं तुरंत घर पर गया और तुरंत मैं लेकर आई। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे हम हर एक लोग के लिए करना चाहता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस गड्ढे में फंसे हुए हैं परमेश्वर आपके लिए सीढ़ियां तैयार कर रहा है, आपके लिए रस्सियां तैयार कर रहा है वहां से आपको बाहर निकालने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हो और जब आप परमेश्वर के वचनों से खजाने को ढूंढने लगते हो और जब परमेश्वर अपने खजाने को आपके सामने प्रकट करते हैं तो उनकी इच्छा उनकी योजना आपके प्रति कुछ बेहतर रहती है। लेकिन हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, इसलिए ये चीज़ हमारे अंदर से ऑपरेट नहीं होती है, ये चीज़ें हमारे अंदर से बहती नहीं है। आपको इन चीज़ों में बहना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। वरदान बाइबल कहता है आपके वरदान आपको राजाओं के सामने खड़े करेंगे। पढ़ाया आपने कौन सा वरदान, एक फूल का गुच्छा? नहीं 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 नहीं, आप वो चीज़ लेकर राजाओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। परमेश्वर का वरदान आपको बड़े बड़े हस्तियों के सामने खड़े करेगा और आपको इन वरदानों में बहना है। हम कलीसिया में, खास करके मैं कलीसिया में बहुत कम रीति से इस वरदानों में बहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कलीसिया का नाम ऐसा हो यहाँ पर प्रोफेसी चलता है, यहाँ पर भविष्यवाणी चलती है और बस हम उनको सुनने के लिए आए। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा नाम ऐसे हो कि लोग वचन को सुनने के लिए आए। लेकिन जब अगर आप मेरे साथ बाहर ट्रैवल करोगे मीटिंग्स में या कोई अलग जगहों पर, आप देखोगे कि परमेश्वर वहाँ पर बहुत ही अद्भुत तौर पर बातें करते हैं और चीज़ें बहुत ही अद्भुत तौर पर वहाँ पर बदलती चली जाती है। ऐसे काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी बार। तो आपको इन वरदानों में बढ़ना है। कैसे आप बढ़ सकते हो? इन वरदानों को ढूंढते हुए कि परमेश्वर मैं जानना चाहता हूं ये वरदान किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है। इस अंत के समय में इन हर एक वरदानों से हमें भरना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ उनके फलों में। बहुत सारे लोग हैं जो वरदान से भरे हुए हैं लेकिन फलों से भरे हुए नहीं हैं। हम जब ऐसे लोगों को मिलते हैं
बहुत सारे सेवक जो खुद को बहुत अभिषेकत कहते हैं, अनॉइंटेड कहते हैं, वो बहुत ही बदतमीजी से परमेश्वर के लोगों के साथ पेश आते हैं। कुछ लोग खुद को भविष्यवक्ता कहते हैं। इन दिनों में ये ट्रेंड चल रहा है, अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स। मैं अपोस्टल सो एंड सो हूँ, मैं प्रॉफिट सो एंड सो हूँ। कोई भी अपने बारे में इवेंजलिस्ट नहीं कहता है। लोगों को शर्म आता है इवेंजलिस्ट कहने के लिए। मेरा सबसे बड़ा इच्छा है इन दिनों में, और मैं काफ़ी समय से ये दिल को लेकर चल रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे उस प्रकार इस्तेमाल कर जैसे आप इवेंजलिस्ट लोग को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा ओहदा है मेरे अनुसार। अगर मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया बाइबल के हर एक वचनों को ट्रांसलेट कर कमेंट्री में बदलने के लिए, बहुत सारे कमेंट्रीज अवेलेबल है। सो मैं खास करके उस कमेंट्री में ज़्यादातर इवेंजलिस्ट लोगों के बारे में लिखूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वही एक है जिनके द्वारा सुसमाचार प्रचार होता है। जितने भी यीशु मसीह के अनुयायी थे, हालांकि वो प्रेरित थे, लेकिन वो सुसमाचार का काम बहुत अद्भुत तौर पर करते थे। बहुत अद्भुत तौर पर जहाँ भी वो जाते थे, वो सुसमाचार का काम इतने अद्भुत तौर पर करते थे कि वहाँ पर अद्भुत तौर पर चिन्ह चमत्कार होता था, वहाँ पर अद्भुत तौर पर आत्मा जीते जाते थे। सो हम हर एक लोगों को परमेश्वर के फलों के बारे में जानना है। अब बाइबल कहता है कि जब आप वरदानों और फलों के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहला जो वरदान है वो है वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि का शब्द, और जो सबसे पहला फल है वो है प्रेम। आप जितना ज्यादा प्रेम में बढ़ोगे उतना ज्यादा आप बुद्धि के शब्द में बढ़ोगे। अगर आप बुद्धि के शब्द में बढ़ना चाहती है, बहुत अद्भुत वरदान है। मैं आपसे कहूं बुद्धि का शब्द काम कैसे करता है। बुद्धि का शब्द काम करता है किसी की स्थिति को बताते हुए, और आप उसे उत्साहित करते हो। याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपको वरदानों में इस्तेमाल करते हैं, किसी को गिराने के लिए नहीं, लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर ने ये वरदान दिए। तो इस नए नियम के जितने भी भविष्यवक्ता है, कोई भी भविष्यवक्ता अगर आपसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ तो समस्या है, तुम्हारे घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर के दीवार के अंदर एक कीला छुपाया गया है, तुम्हारा पूरा दीवार तोड़ना पड़ेगा, उसको को गेट आउट, वो प्रभु की ओर से नहीं है वो व्यक्ति, वो आपको डराएगा नहीं, वो आपको परमेश्वर के उपस्थिति में लेकर आएगा। अगर कोई कह रहा है मैं देख पा रहा हूं, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने, अब ये जो घटना है मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया है पहले, तो मेरे साथ सहन करना आप। सो एक दिन मेरे दोस्त ने कहा कि एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। सो मैंने कहा तो उसमें क्या, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनकी बेइज्जती करता हूं, लेकिन जब तक परमेश्वर मुझे प्रेरणा नहीं देता मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलता। बट वो मेरा दोस्त होने के वजह से मैंने कहा ठीक है हम साथ में जाते हैं, तो वो मुझे साथ में लेकर गए। अब वो जो भविष्यवक्ता था वो इनका दोस्त था, तो इनके लिए वहां पर कोई प्रोफेसी नहीं हुई क्योंकि उनका वो दोस्त था। तो जैसे उसने मुझे देखा, अब उसको पता नहीं उसने मुझे पहले मेरे बारे में सुना था या फिर उसने मुझे देखा था, मुझे नहीं पता, लेकिन उन सभी लोगों में मेरे बाल लंबे लंबे थे और मैं थोड़ा सा अलग दिखता था ना, उनसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, खूबसूरत। तो उन्होंने मेरे ओर देखा, उन्होंने कहा तुम्हारे से मैं बात करना चाहता हूँ। सो मैंने कहा पता नहीं अभी क्या हो गया। मैंने कहा हाँ आपका ये साइड में खड़े रहो आप, और उन्होंने मुझे साइड में खड़े रहने के लिए कहा। ये काफ़ी समय की बात है, काफ़ी साल पहले की बात है। और फिर मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम, और मैं साइड में खड़े रहा। उन्होंने सबके लिए प्रार्थना किया, सब कुछ हो गया, वो वहाँ से चले गए, उन्होंने बात भी नहीं किया। मैंने कहा ये प्रभु नहीं हो सकता। परमेश्वर जब किसी को साइड में बुलाता है तो उसके जिंदगी में काम करता है। परमेश्वर ने एक अंधे व्यक्ति को उसके गांव से बाहर लेकर रहा और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू देखने लगा, और वो व्यक्ति देखने लगा। परमेश्वर ने जिस भी व्यक्ति को साइड में बुलाया है उसके जिंदगी में बदलाव लेकर आया। सो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इन दिनों में आपसे मिलेंगे और आप कहेंगे मैं देख रहा हूं कि कुछ तो गलत चीजें तुम्हारी जिंदगी में हो रही है, तुम्हारे रिश्ते बहुत सारे गलत लोगों के साथ जुड़े। वो जितने जवानों को वो देखेंगे वो इसी प्रकार की प्रोफेसी करेंगे और वो उनको डिस्करेज करेंगे, उनको निराश करेंगे। नए नियम के जितने भी भविष्यवक्ता है, वो हर एक भविष्यवक्ता आपको उत्साहित प्रोत्साहित करेंगे और आपको परमेश्वर से मिलाएंगे। वो आपको परमेश्वर से दूर कभी नहीं लेकर जाएंगे।
जो भी भविष्यवक्ता आप पर दोष लगाते हैं वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है। उनका सुनने के लिए अनसुनी करो, उनको कभी मत सुनो, उनको नेग्लेक्ट करो, उनको नज़रअंदाज करो, उनकी बेइज्जती मत करो लेकिन उनको नज़रअंदाज करो, उनको साइड दे दो आपके घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वक्त आप उनके साथ बिताओगे उतना सारा गलत मानसिकता वो आपके अंदर डालेंगे। बहुत सारे लोग हैं इस टाइल्स के नीचे कुछ, तो ये टाइल्स तोड़ना पड़ेगा, और जब आप टाइल्स तोड़े कुछ ना कुछ छोटा मोटा निकलता ही है यहाँ। देखो मैंने बताया था ना आपको, मैंने बताया था इसी की वजह से प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाइबल कहता है कि जब यीशु कहीं जाते थे वहां से दुष्टात्मा चिल्लाते थे और यीशु कहता था जाओ तो वो सारे दुष्टात्मा चले जाते थे। जब आप कहीं जाते हो आप यीशु को कैरी करते हो, आप यीशु के साथ चलते हो, यीशु आपको उठा लिए चलता है। आप जहां भी जाते हो ऐसे कोई विपत्ति कोई समस्या जो वहां पर है वो ऐसे ही चली जाएगी, आपको कोई चीज तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई चीज मोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब आप परमेश्वर के वरदान से भरते हो आप कुछ चीज क्लियर कट देख भी सकते हो। उदाहरण के तौर पर आप किसी घर के अंदर प्रवेश किए और आपने देखा एक दुष्टात्मा वहां पर है, ऐसा होता है, उनको डराने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रेयर करते हो आप उसे कमांड करें यीशु के नाम से जो भी गलत चीज है यहां पर है वो चली जाए और मैं यीशु के नाम से इस घर को शुद्ध करता हूं, वो शुद्ध हो। उनको डराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घर में देख रहा हूं वो कोने में एक दुष्टात्मा है, और फिर कहे हाँ हाँ वो कोने में हम हमेशा कुछ ना कुछ गलत चीजें करते हैं, हाँ वैसे ही है। डराओ मत उनको। जब परमेश्वर आपको वरदान से भरते हैं उनको उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए कि सच में यीशु जिंदा है। अपने ऊपर विश्वास करने के लिए उनको मजबूर मत करो, देखो मैंने प्रोफेसी किया है अब दान तो देना ही पड़ेगा। हाँ पास्टर प्लीज आप अगले हफ्ते भी आना, जब आप आते हो ना हमें बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे आके अगले हफ्ते वो दूसरा कोई कोना पकड़ेगा। सो अपने आप को भी वैसे मत ढालो। जब परमेश्वर आपको वरदानों में इस्तेमाल करने लगते हैं अपने वरदानों को छोटे मोटे चीजों के लिए इस्तेमाल मत करो। कुछ लोग अपने वरदानों को छोटे मोटे चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को। कुछ लोगों को बोलने की बहुत अच्छी स्किल है, जैसे मैं बोलता हूं बहुत अच्छी स्किल है, सो वो अपने उस स्किल को इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज की रोटी कमाने के लिए, अपनी रोज की रोटी कमाने के लिए। तो वो चार घर विजिट करते हैं रोज, और उनको मालूम है चार घर यानी कम से कम 400 रुपया। अब जब वो चार घर में जाते हैं एक एक घंटा एक एक घर को देते हैं और उनको मालूम है अभी कम से कम 100 रुपया तो मुझे यहां से मिलेंगे, चार घर यानी 400 रुपया into 30 days 12,000 सैलरी निकल गया। सो कुछ लोग इस प्रकार इस्तेमाल करते। तो आप इन 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 सारे चीज जब परमेश्वर आपको आपके वरदानों में इस्तेमाल करना चालू करेगा ऐसे छोटी मोटी हरकत आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसे छोटी मोटी हरकत करोगे तो आप उसी हरकत में रह जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो हमेशा तोता लेकर आते हैं और घर के बाहर खड़े रहते हैं और वो तोता वहां से कुछ ना कुछ बोलते रहता, और ये कुछ ना कुछ बोलते रहते तुम्हारे घर में बहुत सारी तकलीफें हैं। अब जो इतना बड़े तकलीफ में फंसा है 8 घंटा बेचारा चलता है तोते के वजन को लेकर, उस पेटी के वजन को लेकर, वो हमारी तकलीफों को बताता है। तो हमें इन चीजों का इस्तेमाल उस प्रकार नहीं करता जैसे वो तोते वाले करते हैं। परमेश्वर जब आपको वरदान से भरता है वो आपके जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। जो आपको मुफ्त में मिला है उसको मुफ्त में देना सीखो, जो आपको मुफ्त में मिला है उसे मुफ्त में इस्तेमाल करो। जब प्रभु वह चीज देखेगा परमेश्वर आपको राजाओं के सामने खड़े करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि यूसुफ बुद्धि के शब्द में काम करता था। जब उसने अपने उस राजा के सपने का अनुवाद किया, आप देखोगे कि वो अनुवाद करने के बाद बुद्धि के शब्द का इस्तेमाल करता है। वो कहता है सारे चीजों को बताता है कि 7 साल जो है भरपूरी का साल रहेगा, भरपूर अनाज आएगा वगैरह वगैरह वगैरह, और 7 साल जो है अकाल का साल रहेगा। वो सारा चीज बताने के बाद वो बुद्धि के शब्द का देखो कैसे इस्तेमाल करता है। हालांकि राजा ने उस चीजों को नहीं देखा था, लेकिन ये कहता है कि राजा मैं चाहता हूं
कि आप एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो ये सारा चीज़ मैनेज कर पाए। हो राजा कहता है, तेरे जैसे बुद्धिमान और कौन व्यक्ति है, मैं चाहता हूँ कि तू ही सारी चीज़ों को मैनेज कर। ये था बुद्धि का शब्द। एक बुद्धि के शब्द के द्वारा वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाता है, पूरे देश को चलाता है, एक छोटा सा वरदान। लेकिन उसके पहले जब आप देखोगे, उसने फ्री में वरदानों का इस्तेमाल किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो दो राजा के वफादार लोग जेल के अंदर थे, उन्होंने भी सपना देखा और इन दोनों को उसने उनके सपने का अर्थ बताया फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने नहीं कहा कि मैं कुछ ना कुछ तुमसे चाहता हूं, उसने कहा खाली तुम जब अपने पोजीशन पे जाओगे मुझे याद रखना, उतना ही कहा उन्होंने। लेकिन कोई घूस नहीं लिया, उसकी कोई गलत मेंटालिटी नहीं थी, उसने अच्छे तौर पर उनके समस्या का हल अपने वरदान के द्वारा उसने वहां पर बताया। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अगर वो गैर मसीह लोग हैं, अच्छे औहदे में, उनकी तरफ ध्यान मत रखो, लेकिन अपने वरदानों को प्रज्वलित करो। एक दिन ऐसे आएगा जहां पर वो आपकी मदद के लिए आएंगे, और जब आप उन्हें मदद करोगे, परमेश्वर उनके दिल में डालेगा और आप अच्छे स्थान में रहोगे। आपको इन वरदानों में बढ़ते चले जाना है। आपको किसी का मस्का पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर ने आपको वरदानों में इस्तेमाल करना चालू किया, आपका पोजीशन ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा, ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने लोगों के जीवन में इस प्रकार काम करना चाहते हैं, और आपको इन चीजों को ढूंढना है, खोजना है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के बातों में मग्न रहोगे, उतना ज्यादा आप इन वरदानों में इस्तेमाल होते रहोगे। आप क्योंकि ढूंढते रहोगे, अच्छा इस वरदान का मतलब क्या है। काफी बार जब हम ज्ञान के शब्द में जब परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है तो मैं महसूस कर सकता हूं कुछ चीजों को। अगर किसी का सर दर्द देता है तो अचानक कुछ सेकेंड के लिए मुझे ऐसे लगता है कि मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, और फिर वो चले जाता है तो मुझे मालूम पड़ता है कि अच्छा ये कोई तो व्यक्ति यहां पर है जिसका सर दर्द दे रहा है। अगर किसी का हाथ दर्द दे रहा है तो मैं महसूस कर सकता हूं। चीजें ऐसे होती कि मेरा हाथ दर्द देने लगता है और चले जाता है। कभी कभार ऐसे होता है कि जब तक मैं उन चीजों को डिक्लेयर नहीं करता हूं तब तक वो दर्द मेरे शरीर में रहता है, और जैसे मैं डिक्लेयर करता हूं वो दर्द चले जाता है। सो काफी बार ऐसे चीजें भी होती है। हम आने वाले दिनों में इन सारे चीजों को डिटेल तौर पर एक एक वरदानों के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो महायाजक वो पूरे वरदानों से और पूरे फलों से भरा हुआ था। इसलिए जहां पर भी ऐसा परफेक्ट महायाजक होता है वो देश वो शहर ब्लेस्ड रहता है, वो शहर आशीषित रहता है। इसलिए जब आप यीशु को देखोगे, यीशु जब जब व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता या डिक्लेयर करता चीजें वैसी होती। लिखा गया कि एक अंधा व्यक्ति आया, यीशु ने जमीन पर थूका, उसने मिट्टी उठाई और उसने उसके आंख पर लगा दिया और कहा जा धो ले। जब वो जाता है धोने के लिए, जब वो उस मिट्टी को धोता है, वो देखने लगता है। हम जो पिक्चर देखते हैं बॉलीवुड या हॉलीवुड, चमत्कारी पिक्चर, बाइबल कुछ इसी प्रकार है। उन्होंने बहुत सारे चीजें जो है ना बाइबल से चुराए हैं। जब जब बड़ा निर्णय लेने का होता है, आपको मालूम है महायाजक लोग निर्णय कैसे लेते थे, उनके उनके सीने पर जो मणि लगाया गया है उनके उसके पीछे साइड में, यानी वो जो गोल्डन प्लेट है, गोल्डन प्लेट के पीछे साइड में कुछ ऐसा होता था जहां से लिटरली रोशनी बाहर आती थी मार्गदर्शन करने के लिए, और जो वो अक्षर छपे गए थे उस पर खोदे गए थे जो अक्षर, उन अक्षरों में से एक एक अक्षर बाहर आता था। समझो आप में से कोई प्रार्थना कर रहा है, आपने महायाजक के वस्त्र को पहना है और किसी ने आकर आपसे विनती की कि पास्टर मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, महायाजक मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं और प्रभु की क्या मर्जी है, तो ये महायाजक प्रार्थना करते हैं और महायाजक के सीने से रोशनी निकलती और उस रोशनी में जो शब्द है वो ऐसे कहता, एक अक्षर यहां से निकलता वाय, एक अक्षर दूसरी जगह से निकलता ई, एक अक्षर दूसरी जगह से निकलता यस, इसका मतलब यस। इस प्रकार की चीजें होती थी, इस प्रकार की बातें होती थी।
आज भी जब आप मदसी करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो उसी प्रकार के जो शब्द है वो आपके जिंदगी से निकलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आते हैं और बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के शब्द के द्वारा, ज्ञान के शब्द के द्वारा वो रिलीज होते हैं। हमारे चर्च में जब आप एक चीज नोट करोगे, अगर कोई कहता है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें इस प्रकार की बीमारी हो गई है, हम ऑपरेशन करें या नहीं करें, तो हमारे चर्च में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा हम प्रार्थना करेंगे और आप ऑपरेशन नहीं करना, हम कभी नहीं कहेंगे। और अगर कोई कहता है, इसका मतलब है कि वो हमारे चर्च से नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि उनका विश्वास किस लेवल का विश्वास है, वो किस प्रकार विश्वास करते हैं। हम कहेंगे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप सही डिसीजंस लें, आपके सही निर्णय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम यह प्रार्थना नहीं कर सकते कि ओ उनको यह सलाह नहीं दे सकते, ओ आप ऑपरेशन नहीं करना, डॉक्टर ने अगर कहा कि आपका ऑपरेशन अगले महीने इस डेट में होना बहुत ज़रूरी, अगर नहीं होगा तो आप मर जाओगे, तो हम उनको कभी नहीं कहेंगे कि आप ऑपरेशन मत करवाओ, प्रभु ठीक कर देगा, बिल्कुल भी नहीं, वो गलत सलाह है, जब तक परमेश्वर नहीं कहता। हाँ, अगर परमेश्वर ने कहा तो बात अलग है, लेकिन हम खुद से कभी किसी को नहीं कहते, हम कहते कि चलो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके मन से परमेश्वर बात करने के लिए, आपको सही निर्णय लेने के लिए। और आपसे भी कभी किसी ने सलाह पूछा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, इस प्रकार का सलाह जहां पर जिंदगी और मौत का सवाल है, किसी को सलाह नहीं देना। आप प्रार्थना कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए कि प्रभु उसे हिम्मत दे सही निर्णय लेने के लिए। हम यह प्रार्थना कर सकते कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला है, प्रभु उसके मन से आप बातें करें, प्रभु ऑपरेशन होने से पहले जब ये रिपोर्ट्स निकालेंगे, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, हम इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम कभी उनको सलाह नहीं दे सकते कि आप नहीं करना करके। लेकिन जब आप वरदानों में काम करते हो, परमेश्वर परफेक्टली आपसे बातें करने लगते हैं, आपको बताते हैं कि किस प्रकार चीज़ें होती, किस प्रकार बातें होती। तो इसलिए वरदानों में इन दिनों में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक चित्र है जो कि आप देख सकते हैं, जिसको हम लैम्प स्टैंड कहते हैं। एक बहुत सुंदर गाना मुझे याद आ रहा है, बहुत सुंदर तौर पर उन्होंने गाया है, योहन्ना ने देखा प्रभु को टापू पर, मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों पर, दीपों में देखा। अब ये जो दीपों में देखा है, जो आप देख रहे हो लैम्प स्टैंड, वो वही है दीप। यानी हम जिस प्रकार दीप जलाते हैं या हमने जो देखा है, वो उस प्रकार नहीं है, वो लैम्प स्टैंड है। अब आप उस लैम्प स्टैंड में देख सकते हो, वहां पर 9 छड़ी है। पुराने जो लैम्प स्टैंड होते थे उसमें 7 छड़ी होती थी, अब नए नियम का जो लैम्प स्टैंड है उसमें 9 छड़ी है। आप देख सकते हो कि वो 9 छड़ी में एक छड़ी अलग है। आप बता सकते हो कौन सी वाली? बीच वाली, बीच वाली छड़ी टोटली अलग है। अब वो बीच वाली छड़ी जो है, लोग जो याजक है वो उस बीच वाली छड़ी का इस्तेमाल करते थे बाकी जो 8 छड़ी है उसको जलाने के लिए। जब आप कैंडल्स जलाते हो किसी के जन्मदिन पे या फिर कुछ फंक्शंस में, तो हम काफी बार माचिस लेकर एक ही माचिस से सब कैंडल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। उसमें आपका हाथ जल सकता है, उसमें माचिस ज्यादा लग सकता है। आप एक कैंडल को जलाओ और उस एक कैंडल का इस्तेमाल करो बाकी कैंडल को जलाने के लिए। तो उस प्रकार वो सिस्टम था, उनको परमिशन नहीं था कि वो एक माचिस की तीली से वो सारे कैंडल स्टिक को जलाए। उन्हें एक बीच वाले कैंडल स्टिक को जलाना पड़ता और फिर वो छड़ी जो है वो अलग हो जाती थी। उसमें सिस्टम था कि वो छड़ी अलग की जाती थी और उस एक छड़ी से बाकी जो 8 छड़ी है उसको जलाया जाता था और जो बीच वाला जो छड़ी है उसे वापस फिट कर दिया जाता था। इसे कहते हैं हनोका मुनरा करके, ये इस कैंडलस्टिक का नाम है। और ये कैंडलस्टिक दर्शाता है परमेश्वर के 9 वरदानों को। परमेश्वर के जो 9 वरदान है, यानी पवित्र आत्मा के जो वरदान 9 है, उन 9 के 9 वरदानों में आप काम कर सकते हैं अगर आप एक वरदान का अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करोगे तो।
और बाइबल में ये काफी बार बताया गया है, काफी बार जिक्र किया गया है, और वो वरदान है अन्य भाषा। आप देख सकते हैं कि जहां जहां प्रेरित लोग गए प्रार्थना किए वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, काफी बार ऐसे जिक्र हुआ है। सबसे पहला वरदान जो ज्यादातर हमें बाइबल में देखने मिलता है किसी प्रेरित के हाथ रखने के द्वारा या प्रार्थना करने के द्वारा या पवित्र आत्मा आने के बाद, तो वो है अन्य भाषा। शत्रु ने कुछ समय पहले इस पर मिट्टी डालने की कोशिश की, कुछ साल पहले नहीं, ये बहुत समय की बात है, तब से शत्रु इस भाषा को मिटाने के चक्कर में है। वो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों में उसने इन्फ्लुएंस लेकर आया, प्रभाव लेकर आया, जहां पर लोग इन चीजों को गलत समझ बैठे हैं और लोग बहुत सारे लोग फंसाए जा रहे हैं यह सोचते हुए कि अन्य भाषा जो है इसका कोई अर्थ नहीं है आत्मिकता में, यह सारा जो है यह गैर मसीहों का भाषा, यह मूर्ति पूजा का भाषा है। और आप एक चीज अनुमान लगा सकते हो, स्टडी कर सकते हो, कि जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते वो वरदानों में इस्तेमाल नहीं होते। आप स्टडी कर देखिएगा, जो लोग अन्य भाषा को साइड में हटा दिए हैं वे लोग ज्यादातर वरदानों में इस्तेमाल नहीं होते। वे भविष्यवाणी नहीं करते, वे चंगाई, उनके द्वारा चंगाई की प्रार्थना नहीं होती है, वो किसी भी प्रकार की बातें नहीं करते, विश्वास का वरदान उनमें काम नहीं करता है, कोई वरदान उनमें काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुख्य छड़ी को उन्होंने हटा दिया, और जब मुख्य छड़ी हट जाती है आप उन कैंडलस्टिक को जला नहीं सकते, ये मुख्य छड़ी है। आप जितना ज्यादा प्रज्वलित होगे उतना जल्दी वो कैंडलस्टिक जलेंगे। जितना ज्यादा आप अपने आप को उस अन्य भाषा के वरदान में लेकर चले जाओगे उतना ज्यादा अनेक वरदान आपके जिंदगी में काम करेगा। अनेक वरदान आपको जो बहकी बहकी टीचिंग्स चल रही है, आप ऐसे बहकी बहकी शिक्षाओं में फंसने की जरूरत नहीं। अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं अन्य भाषा ये परमेश्वर की ओर से वरदान है, जहां पर वो आपको व्यक्तिगत तैयार करना चाहता है और आपके अंदर से बाकी के जो नौ वरदान है उनको तैयार करना चाहता है दूसरों के उन्नति के लिए। अब कुछ सवाल लोग वचन में से निकालते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं वचन, लिखा गया कि वचन जान लेता है, वचन मारता है, आत्मा जिलाता है। अगर आप इस वचन के बंधन में अगर आप फंस जाओगे आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते। वचन एक इतना बड़ा भूल भुलैया है कि वहां से अभी तक लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। इसलिए बाइबल ने क्या किया मालूम है क्या? बाइबल में आपको पवित्र आत्मा दिया गया है जहां पर वो वचन आपके लिए जिंदा करे, जहां पर वो वचन आपको जीवित रखे, जहां पर वो वचन आपके जिंदगी में कार्य करे। हम क्या करते हैं, हम पवित्र आत्मा को साइड में हटा देते हैं और उसके मार्गदर्शन के बगैर जब हम वचनों को पढ़ने लगते हैं तो वचन हमें समझ में नहीं आता। कुछ लोग यहीं से आपको सिखाते हैं कि जो वरदान आपको दिया गया है वो वरदान आपके लिए नहीं है, वो वरदान कलीसिया के लिए है, कुछ लोग सिखाते हैं, और ये सही है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उन्नति नहीं पाए हैं तो आप किसी का उन्नति भी नहीं करवा सकते। लोग कहते हैं ये सारे वरदान जो है ये कलीसिया की उन्नति के लिए है, और जो लोग ये कहते हैं कि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से, अन्य भाषा बोलने के द्वारा खुद की उन्नति होती है, तो इसका मतलब है कि आप खुद के उन्नति के लिए वरदान का इस्तेमाल करते हो, और ये गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं सर्जरी करने वाला डॉक्टर नहीं हूं और बिना मैं सर्जिकल स्टडी के, बिना अगर मैं किसी का ऑपरेशन करूं तो मैं उस व्यक्ति को मार रहा हूं या मैं उस व्यक्ति को मार डालने पर हूं, तो मुझे सबसे पहले उस चीजों को अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, और उसके बाद जाकर मैं सर्जरी कर सकता हूं। सेम उसी प्रकार जब तक आप उन्नति नहीं करते आप किसी का भी उन्नति नहीं करवा सकते।
इसलिए डॉक्टर मार्टिन लॉर्ड जोन्स कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके कलीसिया की उन्नति हो तो खुद का उन्नति करो, अगर आप चाहते हो कि मसीह की दिया उन्नति पाए तो खुद उन्नति करो। जब तक आप उन्नति नहीं करोगे तब तक मसीह का दिया उन्नति नहीं पाएगा। और आप उन्नति कैसे कर सकते हो? अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए। जब आप अपने घर में अकेले रहते हो अपने दरवाजे को बंद करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करो। जब आप मसीह लोग मुलाकात करते हैं प्रार्थना करना चालू करें, प्रार्थना करना चालू करें और देखें परमेश्वर बाकी के वरदानों में कैसे आपका इस्तेमाल करते हैं, देखें किस प्रकार आपके जीवन में अद्भुत चीज़ों को लेकर आते हैं, किस प्रकार परमेश्वर अनेक वरदानों में इस्तेमाल होने के लिए आपको मदद करते हैं। वो एक बीच का जो कैंडल स्टिक है वो अलग अलग जो बाकी के 8 कैंडल स्टिक हैं उनको वो जलाता था। अगर आप अनेक वरदानों में इस्तेमाल करना चाहते हो, ये एक वरदान अपने डेली प्रैक्टिस में लेकर आओ। हर रोज आप गाड़ी पर हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप बाइक चला रहे हो, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप लिफ्ट में हो, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप पार्क में बैठे हो, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप खाना खाने बैठे हो, आपने ऑर्डर दिया और ऑर्डर आने से पहले, खाना खाने से पहले आप प्रार्थना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा अलाइनमेंट करते हो परमेश्वर के वरदानों के साथ, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें पता चलने लगती है, आप जान पाते हो कुछ चीज़ों को, आप समझ पाते हो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। लेकिन जब आप अन्य भाषा को बाकी के वरदानों से अलग कर देते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ना, आप कोई भी वरदान में ठीक तौर पर इस्तेमाल नहीं होने पाते हो। वरदान वहाँ पर है लेकिन वो प्रज्वलित नहीं, वो नहीं जल रहा है, वो बुझा हुआ है। लेकिन जब आप अन्य भाषा में जागृत हो जाते हो ये बाकी का वरदान जो है ये अपने आप में प्रज्वलित होने लगता है। और एक इस शिक्षा के पीछे और एक गलत मानसिकता ऐसे है कि अन्य भाषा जो है ये केवल वो भाषा है जो आपको अलौकिक तौर पर मिलता है और जो लोगों को समझ में आता है। उदाहरण के तौर पर आप अफ्रीका चले गए, अफ्रीका में जाने के बाद अब वहाँ का चिंग पोंग मू तो समझ में नहीं आता है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने आपको अन्य भाषा दिया और आप उनके भाषा में बात कर रहे हो, आप उनके लैंग्वेज में बात कर रहे हो, ऐसे लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे बाइबल में आपको एक भी जगह ऐसा नहीं मिलेगा कि पौलुस कोई शहर में गया और उस शहर में उसने अन्य भाषा में बातें की, ऐसा एक भी जगह नहीं लिखा है। वो अपना अनुमान लगाते हैं, वो अपना अनुमान लगाते हैं। लेकिन मसीहत अनुमान से नहीं चलता है, मसीहत वचन से चलता है और पवित्र आत्मा के प्रकाशन से चलता है, अनुमान से नहीं चलता, वो अनुमान लगाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये ऐसा हो सकता है लेकिन यही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जापानीज नहीं जानता हूं लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे पड़ोस में बैठा है जहां पर मैं ट्रैवल कर रहा हूं, अगर वो जापानीज है तो परमेश्वर मेरे द्वारा जापानीज बुलवा सकता है लेकिन वो हमेशा मुझे वही भाषा में इस्तेमाल करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं उसमें से कुछ शब्द जापानीज आ जाए और वो सुन ले और उसका उद्धार हो जाए। लेकिन जब तक मैं ये विश्वास नहीं करूंगा कि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है तो जापानीज अगर मुझे आएगा तो मैं उसे खंडित करूंगा। आप समझ पा रहे? जब तक मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है, अगर मेरे जबान पर जापानीज भाषा आए तो भी मैं कहूंगा ओ ये चीज शैतान की ओर से, मैं ये बात नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है, नए नियम में ये वरदान नहीं। तो हम इन चीजों को खंडित करते हैं, बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को खंडित कर दिया। ये समय खंडित करने का नहीं है, ये समय ऐड करने का है और प्रज्वलित करने का। जो वरदान परमेश्वर ने आपके अंदर भरा है उन चीजों में आपको इस्तेमाल होना है, उन चीजों को आपको अपने अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है डेली। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप धीरे धीरे कर उस जो बाकी के 8 कैंडल स्टिक्स है, बाकी के जो 8 वरदान है, आप धीरे धीरे कर उन वरदानों के करीब पहुंचते हैं, धीरे धीरे कर उन वरदानों के नज़दीक पहुंचते हैं और कुछ ही समय के बाद वो वरदान बस जलने पर है। आप कल्पना कर देखिए ना, उसमें 9 कैंडल स्टिक ही क्यों हैं और वो 1 कैंडल स्टिक ही अलग क्यों होता है? और बाइबल में जहाँ भी आप पवित्र आत्मा आने के बाद इस पृथ्वी पर जब जहां जहां प्रेरित लोग गए किसी पर हाथ रखा तो उन्होंने अन्य भाषा में ही बोलना चालू क्यों किया? आप इन चीजों को सोच कर देखिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो अन्य भाषा के वरदान के बाद वाला जो भाषा है वो अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला भाषा है,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ और ख़त्म करना चाहता हूँ कि बाइबल में कहीं भी किसी ने ट्रांसलेट नहीं किया है। बाइबल में कहीं भी किसने, अभी मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया, अब मैं अन्य भाषा के वरदान में इस्तेमाल करूंगा अनुवाद करने के, और मैंने अनुवाद किया, ऐसे बाइबल में कहीं भी नहीं है। आप एक भी वचन नहीं पढ़ सकते। तो वो जो वरदान है, वो स्पेसिफिक वरदान दिया गया है अन्य भाषा को अनुवाद करने के लिए, जो कि मसीह लोग अनुवाद करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनुवाद नहीं होता है, बहुत सारे बार हम भी अनुवाद करते हैं। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अचानक आप अपने नॉन लैंग्वेज में प्रार्थना करें, इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि आप उन चीजों को समझें। अब कुछ लोग अन्य भाषा को समझने के लिए इतना वो डूब गए हैं कि वो अन्य भाषा को समझना ही बंद कर दिए। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कैसे हुआ है। जब आप बात करोगे वरदानों के बारे में, आप एक भी वरदान ठीक तौर पर समझा नहीं पाओगे कि ऑपरेट कैसे होता है। एग्जाम्पल, गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स, वहां पर इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो हीलिंग नहीं है, हीलिंग से अनेक चंगाई। अब लिखा गया है कि और भी वरदान है, और भी बहुत सारी चीजें। एक जगह ऐसा लिखा गया है, मरकुस की किताब अध्याय 16 में जब आप पढ़ोगे, लिखा गया है कि जो विश्वास करने वाले उनमें चिन्ह होगा, और उनमें से एक चिन्ह है कि वो मुर्दों को जिलाएंगे। अब कौन से साइंस के द्वारा आप सिखाओगे कि मुर्दे जिंदे होते हैं? आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन चीजों को, बस विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा है और मुर्दे जिंदे होते हैं, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। विश्वासी जीवन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। यीशु पर विश्वास करने से उद्धार होता है, वचन कहता है उद्धार होता है, आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन चाहता है वो बहुत कंफ्यूज है, वो विश्वास नहीं करता है, क्योंकि एक जवाब के बाद उसके पास दूसरा सवाल खड़े हो जाता है, दूसरे जवाब के बाद उसके पास तीसरा सवाल खड़े हो जाता है। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इनके साथ हम बकवास नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने विश्वास में इन दिनों में तैयार होना है, आपको प्रार्थना करना है। ये महायाजक जब भी कभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाता, ये वरदानों के साथ जाता, फलों के साथ जाता। हमारा महायाजक वरदान और फलों के साथ उनकी उपस्थिति में खड़े हैं, और वो हमारे जीवन में उन सारे चीज़ों को हर दिन प्रतिरोज वो रिलीज करते कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो भाई हैं, वो इन वरदानों में इस्तेमाल हो सके। इसलिए हर रोज़ अपने वरदानों का इस्तेमाल करो। इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर के जो वरदान है उसको प्रज्वलित करो, फ्लेम द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, आपको प्रज्वलित करना। आप कैसे कर सकते हो? अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, डिक्लेयर करते हुए, घोषणाओं को करते हुए, और अनुभव करोगे आप अद्भुत चीज़ें आपके द्वारा परमेश्वर अनेक लोगों के जीवन में कर रहे हैं। हालेलुया।